हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाजीत ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरे अंशु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसको 1 वीक से फीवर वगैरह था, तो वो कुछ अच्छे से खा पी नहीं रहे और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंशु, अंशु इधर आओ, मम्मा पास आओ, बेटू इधर इधर उठाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा अंशु कितना कमज़ोर हो गया है फीवर की वजह से, और फीवर होने के कारण वो कुछ अच्छे से खा पी नहीं रहा है। तो मैंने सोचा लंच में आज उसके लिए कुछ चटपटी सी खिचड़ी बना दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अंशु के लिए क्या क्या खिचड़ी के लिए क्या क्या सामान रेडी किया है। ये देखिए, इसमें दाल मैंने लिया है और चावल लिया है, और इसमें मैंने आलू है, आधा टमाटर है, और ये मैं जीरा डालूँगी हल्का सा, और इसमें नमक ऐड करूँगी और हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और खिचड़ी बनाने के लिए मैंने घी, देखिए कुकर में डाल दिया है। ये देखिए, मैंने आधा चम्मच घी लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अंशु के फीवर की वजह से उसका मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका है, तो वो कुछ भी अच्छे से खा पी नहीं रहा है। तो मैंने सोचा उसके लिए आज लंच में खिचड़ी बना दूँ, थोड़ा वेजिटेबल वगैरह ऐड करके, और थोड़ा स्पाइसी सा, मतलब स्पाइसी मतलब मिर्च मसाला नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा सा नमक वगैरह थोड़ा सा हल्का सा तेज़ डालूँगी ताकि वो खाए। और वेजिटेबल में आप लोगों को जो चाहिए वो डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। मैं सिर्फ टमाटर और आलू डाल रही हूँ, और जीरा डाल रही हूँ, खड़ा जीरा, और दाल और चावल है मैंने लिया है। चलिए मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये खिचड़ी का रेसिपी ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और कुकर रख दिया, इसमें मैंने आधा चम्मच घी डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं जब तक गर्म होने देती हूँ ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर मैं जीरा ऐड करूँगी गर्म होने के बाद। अंशु, अंशु हेलो हेलो कर दो, अंशु हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अंश कितना कमज़ोर हो गया है फीवर की वजह से। अंशु हेलो करो, हेलो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपको क्या हुआ बेटा? अभी ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसके अंदर सब कुछ ऐड कर दिया, उसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसी बॉल से 2 बॉल इसमें पानी डालूँगी, और हल्दी और नमक स्वाद अनुसार इसमें मैं ऐड करके कुकर को बंद कर दूँगी, और 2 सीटी लगने तक मैं वेट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला। एक कटोरी में और पानी लूंगी। दो कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और अदरक, सॉरी हल्दी पाउडर डालूंगी, सॉरी। ये देखिए, और सीटी लगा दूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। अब हल्दी पाउडर लिया मैंने फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और कुकर को ढक्कन को बंद कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और 2 सीटी का वेट करूँगी मैं धीमी आंच पे। मैंने कुकर बंद कर दिया, सीटी 2 सीटी का हम वेट करेंगे, उसके बाद हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ में मेरे जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है प्रियाजीत ऑफिशियल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका प्रियाजीत सा। साथ में अंशु को देखिए, अंशु क्या, अंशु अंशु क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो सोना? हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो
तो फ्रेंड्स देखिए मेरा अंशु आप लोगों को हेलो कर रहा है इस वीडियो पे, इस ब्लॉग पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।